वेलकम बैक टू एनबी लर्निंग। हम कर रहे हैं इसमें इलावत की बुक एफपीएस सिस्टम चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 45 क्वेश्चन नंबर 6। और सवाल है कि एक 120 फीट ऊंची चिमनी का ड्राफ्ट मालूम करना है, जिसमें से चिमनी में से गुजरने वाली गैसेस का टेम्परेचर यानी कि T2 550 फ़ारेनहाइट है, आम एटमॉस्फेयर टेम्परेचर 70 फ़ारेनहाइट है और एटमॉस्फेयर प्रेशर 14.7 है। तो हमने मालूम करना है ड्राफ्ट, हाइट दी हुई है 120 फीट, T1 550 फ़ारेनहाइट है और T2 हमारे पास 70 फ़ारेनहाइट है। इसको आप एब्सोल्यूट बना लेंगे, फ़ारेनहाइट को 550 में 460 जमा करेंगे और 70 में 460 जमा करेंगे, ये बन जाएगा 530 और 1010। तो अब फार्मूला आपके सामने स्क्रीन पे है। तो ड्राफ्ट से मुतल्लिक कुछ 3-4 फार्मूले हैं जो कि इस बुक में डिफरेंट इस्तेमाल हुए हैं। पहले जो 5 सवाल थे उनमें एक ही फार्मूला इस्तेमाल हुआ था, अब ये नया फार्मूला है। डी इज़ इक्वल टू एच इंटू 7.6 माइनस 7.9 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2। वो फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, जो फार्मूला आप यूज़ करें। बहरहाल बुक में ये फार्मूला यूज़ किया हुआ तो मैंने यही लिखा है। तो आप डाटा में से जब वैल्यूज़ उठा के इसमें पुट करेंगे, हाइट 120 है और 7.6 और 7.9 बता दूँ मैं ये कॉन्स्टेंट है, तो इसको जब आप कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे तो ड्राफ्ट आ जाएगा 0.78 इंचेस।